बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलमे बहमे फशके बादरखे से दुआ कर दिया, मुझे बड़ी शुक्र पहले शुक्र कर दिया। उसमें आप चैनल सब्सक्राइब की तो सब्सक्राइब करो, जो बेल बटन लास्ट प्रेस करो तक सीढ़ी आने वाली हर वीडियो टाइम से तार तक पहुँच सके। अच्छा जी, आज की वीडियो मेरी बहुत बहुत खास होने वाली है, बहुत खास। तो अज छोटी जी रैसपी लगी अपनी भैन भाइयों लगी है शेयर करना पे भैन नाल। तो जी रैसपी आ वो हैगी तवा बैंगन फ्राई रैसपी, तवा बैंगन फ्राई रैसपी आ मैं लगी हाँ तैयार कर और अपनी मैं शेयर कर दी हाँ। मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी आ, मेरी वीडियो मुकम्मल वाच करनी आ, फिर मेरी भैन ने मैं दसना वा किस तरह की बनी आ और कर दी स्टार्ट अपना काम, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा मेरे को। अच्छा जी, सब तो पहला बैंगन धोल सुहा के बहुत सोहे हैं बैंगन बैंगन धोले तो। अच्छा जी, अज मैं नवे तरीके लगी हैं बैंगन बनाने। बैंगन इस तरह ही कटने हैं इस तरह कट लो लाज, मतलब मुकम्मल कट लाने हैं इस तरह, जिमें ना इस तरह लगे जिमें मैं ला सारे हम बैंगन इस तरह लानी है। तो वीडियो मेरी मुकम्मल देखनी मेरे भैन भरा ने, फिर मेरे भैन पता लगेगा अज उस मैंने खास शैक रैसपी छोटी जी के लिए बनाई है। इस तरह देखो जे इस तरह इस तरह बैंगन सारे जो बनानी है। बैंगन माशाल्लाह मैं ज्यादा तां ले आ क्योंकि माशाल्लाह फैमिली बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। तो ये इस वास्ते अगर गर्मी दी आ हुण गर्मियों की रैसपी है जी, नाल इहदे होवे तंदूर की रोटी बहुत मजेदार बनती रैसपी। तो मेरी भैनों ने नाल मेरी वीडियो भी देखनी है मुकम्मल और नाल बना के खा के भी देखनी है किस तरह की बनती है। बहुत मजेदार बन गई इस तरह रैसपी। तो हम मैं बैंगन माशाल्लाह मेरे सारे आने मैं अपने बैंगन कट लगा चली हैं, तीन बैंगन रह गए और बस मैं चलो अज आलू बैंगन भी खाधे है और कि बैंगन का भरता जहा जो वह भी खाधा ये नहीं खाधे, मैं ये हम बनानी हाँ और अपनी भैन शेयर कर दी हाँ। वीडियो मेरी मुकम्मल देखनी है मेरे भैन ने, ठीक है ना। तो फिर पका के भी खा के देखियो, ज़्यादा इन्हें ना मज़ा आता वा तंदूर की रोटी खाने का, क्योंकि तंदूर की रोटी हो बने हो बहुत स्वाद लग, मतलब रोटी खाने का बहुत मज़ा आता। क्योंकि गर्मियों तो अक्सर आलू बैंगन का भरता जहा वो बनता इस वास्ते, क्योंकि गर्मियों की सब्जी है जी। लो जी बैंगन मेरे खो गए कट लगा ले मैं सारे, तो हम मैं ना मसाला जरा ना वो तैयार कर ला। बच्चे बाहर खेडन दे इस वास्ते रुको कि बच्चे खूब इंजॉय दे कर बाहर खेलते पे सारे, मेरे भी बच्चे बाहर ही दे खेडन। तो जो पापा हम नहीं कभी खाते है उन्होंने पहली तो फिर खाने हैं। जिन्ना जिन्ना नहीं ना खाते है अज उन्होंने बना के खावे। बैंगन हाथ च क्यों डिगदा, बच्चे चीका मारन दे बार चीका, आह ही जिंदगी है चार दिन बच्चों की खेलन कूदन की। मुड़के साड़ी जगह पर आ गए तो घर के काम ही नहीं मुकने है, दिन दैन चढ़ते चलो जी आह कर लो तो आह कर लो आह कर लो, काम ही नहीं मुकते है। लो जी बैंगन मिले सारे कट, तो हम मैं मसाले तैयार कर, मसाले तैयार कर काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च ना जायका बहुत प्यारा आता वा, मतलब बहुत ज्यादा जायका बनता। लाल मिर्च
अपनी जिन्नी के मुताबिक दिखाने हैं और सामने पा सकते हैं। नमक कुटिया हुआ धनिया, क्योंकि बैंगन ज्यादा है इस वास्ते बैंगन के हिसाब मसाला लाऊंगी। हल्दी, हल्दी भी पा ली है, थोड़ी जी पा लवान दादर मिर्च, इन्दे च कोई प्याज नहीं पैना है, कोई हरी मिर्च नहीं पैनी हैगी, कोई इन्दे च मतलब लसन वगैरह आलू वगैरह इस तरह कोई शह नहीं पैनी, बस जेडे मसाले है। अच्छा जी, हम जो मसाला वा चंगी तरह लिया अगला, थोड़ा जहा नमक पा लवाना होर, क्योंकि नमक कम ना हो, नमक थोड़ा जहा पा लिया होर। अच्छा जी, हम मैं ना मसाला जरा चंगी तरह जो अगला आया वा ये लगी है हूँ मिक्स करना। इस तरह देखो, इस तरह मसाला लाना बैंगन के उपर, जो मसाला ना बैंगन के जो कट लगाए इन्होंने अंदर तक जाना चाहिए मसाला इस तरह, ठीक है, इस तरह सारे मसाला ना हम बैंगन इदा लाने हैं, क्योंकि मैं हूँ अपने किचन च रैश जी कर रही है नवी तो नवी नई तो नई रैसपी अपनी बहनों और अपनी माँ जी हूँ शेयर कराया करांगी, जिहड़ी कोई कमी पेशी देंदी होया करूगी वह जी ना मैनू कमेंट च दस दिया करियो लाजमी। अज सरोज के पापा हूँ अपने चेहरे का रिएक्शन देखांगी की रिएक्शन की कहते अज जिधर मैं इस तरह का कोई पंगा लवाना कह के पूछमा तेरे नहीं तो नए पंगे होंगे, मैं कहनी नहीं सगों करांगी तो हर शायद सीख मैं करनी होगी, क्योंकि सीखनी चाहिए हर हर शायद बंदा किसी का मुथाज नहीं होना चाहिए। इस तरह हम सारे मसाले लगाने हैं, अच्छा जी सारे बैंगन मसाला लगा लिया वा तो हूँ इन्हों फ्राई कर दी है। अच्छा जी तवा रख लिया वा, चूल्हा भी चला लिया, देखो तवे तो पहला पानी खुश कर दी है, पानी खुश करके फिर अपनी बहन में कर दी शेयर, जरा घ्यो वा वो मैं कर लवा। अच्छा जी घ्यो गल वास्ते रखिया हूँ वास्ते, क्योंकि घ्यो जमया हुआ अज बहुत आसान रैसपी अपनी भैन लगी दसन, बहुत जल्दी बनती है, बहुत मज़ेदार बहुत चटपटी बनती है। आलू बैंगन मेरिया भैन भुल जा कह आलू बैंगन नहीं बनाने, बस यही रैसपी बनाया करनी अजकल। चुल्हे की जी आंच है बाकी जो एक चंगी तरह कर दी फ्राई, चिंता में कुछ आके रखे फ्राई कर थलन वास्ते, बहुत मज़ेदार बनती है, क्योंकि चूल्हे की आंच तेज नहीं करनी है कि जब तक बैंगन सड़ जाने मध्यम आंच मतलब घर के पाने करनी फ्राई। जी बैंगन मेरे हो गए फ्राई आ वाले, इन्हें हम कटन लगी हैं इतने रखी लगी हैं ट्रे च, देखो किस तरह नरम हो गए आ, घ्यो छाड़ता देखो एक बैंगन चक सगो मैं खा भी गया वा
क्योंकि मिर्च लून चेक करने वास्ते ना वो खा के देखा मैं। अच्छा जी अच्छा जी थोड़े जे रह गए बस देख बाकी मसाला सारे कर लिया फ्राई। वो देख फ्राई कर करके दही रखन इस तरह ना उत्तों कवर कर देनी है तो ढक्कन लै लो तो भवन की मतलब इस तरह परात लै लो। अच्छा जी जी मैं रैसपी मिली होगी तैयार इहदा नाम हैगा वा तवा फ्राई बैंगन। मैं रैसपी तैयार कर ली है मसाला खीर ले तेन जो फ्राई दही कर बाकी माशाल्लाह देखो कर लिया सारे माशाल्लाह माशाल्लाह इन्ने जबरदस्त बने ना देखो। ये तो हम रोटी बनावांगी रोटी ना खावांगी खावांगे असीं क्योंकि आटा गुन के रख लिया इधर आ देखो आटा माशाल्लाह गुन लिया तो हूँ बस रोटी बनानी है रोटी बना के तो खाने बैठ के जे मेरी मेरे भैन भाई ने खाने मेरी भैन ने जां मेरे भाई ने जां मेरी माँ ने खाने कमेंट लाजमी दसियो तो वीडियो अंत कर दी हैं साढ़े जी वीडियो अगर फिर मेरे भैन भाई पसंद आए लाइक और शेयर करियो कमेंट में लाजमी दसियो मेरी ये वाली रैसपी किस तरह लगी है सन दो इजाजत अल्लाह हाफिज़ तो देखो देखो पानी पकन दिया देखो।